अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, वेलकम बैक टू माय चैनल इम्पार्टिंग नॉलेज। और आज हम इंटरनेशनल रिलेशन का आई थिंक लेक्चर नंबर 17 स्टार्ट कर रहे हैं डिटेरेंस के ऊपर। और हम स्पेसिफिकली इसमें केस स्टडी करेंगे पाकिस्तान इंडिया की और डिटेरेंस को देखेंगे कि इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर डिटेरेंस की क्या थ्योरी है, क्या डिटेरेंस होती क्या है, और पाकिस्तान इंडिया के हवाले से डिटेरेंस है क्या। सो मूविंग फॉरवर्ड, बेसिकली डेफिनेशन लिखी हुई डिटेरेंस की। डिटेरेंस इज एन अटेम्प्ट बाय वन गवर्नमेंट टू प्रिवेंट एन एडवर्सरी फ्राम अंडरटेकिंग अ कोर्स ऑफ एक्शन that the government regard as undesirable by threatening to inflict unacceptable cost upon the adversary in the event that the action is taken। Basically इसका ये मतलब है कि आप इस तरह से थ्रेटन करें अपने एनिमी को कि वो मजबूर हो जाए इस बात पे कि वो अटैक ना कर सके आप पे। मतलब वो फुल केपेबल हो आप पे अटैक करने के लिए, तैयारी के साथ आ रहा हो, लेकिन आप उसको इस तरह से थ्रेटन कर दें कि यार अगर तुम ये करोगे तो मैं तुम्हारे फिर साथ ये करूँगा और ये चीज़ तुम्हारे लिए बहुत ही ख़तरनाक साबित होगी, ठीक है, और अनएक्सेप्टेबल कॉस्ट होगी उस चीज़ की। तो फिर वो पीछे हट जाता है आपका एनिमी। तो ये इसको कहते हैं डिटेरेंस, अपने एनिमी को डिटर करना। हम डिटर के भाई अटैक ना करो, डर जाए वो या पीछे हट जाए अटैक करने से, इसको कहते हैं डिटेरेंस। सो अब थ्योरी और प्रैक्टिस, जिस तरह हम इंटरनेशनल रिलेशन में देखते हैं कि डिटेरेंस किस तरह से है। तो डिटेरेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो आया है हमारे पास वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। और बेसिकली इस तरह से कि वर्ल्ड वॉर 2 में यूनाइटेड स्टेट्स के पास जो था वो आ गए थे न्यूक्लियर वेपन्स। उन्होंने जापान की 2 सिटीज़ को न्यूक किया था और हिरोशिमा और नागासाकी को। और उस टाइम पे दुनिया में और किसी के पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं थे, ठीक है। तो जब सिर्फ एक कंट्री, आप सोचें एक कंट्री हो और वो बहुत पावरफुल हो, उसने वर्ल्ड वॉर जीती हो और उसके पास न्यूक्लियर वेपन्स भी हो, तो उसके सामने तो कोई नहीं खड़ा हो सकता ना। तो ये जो ईरा था ना, ये कंपेलेंस का ईरा था, ठीक है। इसको कहते हैं कंपेल, मतलब यूनाइटेड स्टेट किसी को भी कंपेल कर सकता था कि वो उसकी बात माने, ठीक है। ये पहली बात तो वो खुद ही मिलिटरी पावरफुल था, लेकिन अगर कोई बात ना भी माने तो उसके पास न्यूक्लियर वेपन्स भी थे और वो जापान की 2 सिटीज़ को तबाह कर चुका था, ठीक है। तो कोई हर बंदा फिर कंपेल होता था कि यार यूनाइटेड स्टेट्स की तो बात हमें माननी पड़ेगी। सो ये कंपेलेंस की पहले स्टेज आई इसकी, ठीक है। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता रशिया ने, यूएसएसआर ने अपना फिर न्यूक्लियर वेपन्स पे आए, वो डिज़ाइन करना उन्होंने शुरू किए और बनाने शुरू किए, और फिर उन्होंने बना लिए इवेंचुअली। और फिर उन्होंने उनका जो सैटेलाइट था दुनिया का फर्स्ट स्पटनिक 1957 में वो उन्होंने लॉन्च किया। और उससे ये उन्होंने बताया पूरे दुनिया को कि भाई दे आर केपेबल ऑफ टारगेटिंग यूनाइटेड स्टेट्स। मतलब जब उन्होंने स्पटनिक बना लिया ना, तो वो उन्होंने ये प्रूव कर दिया कि भाई वो अगर किसी भी सैटेलाइट के थ्रू वो मिज़ाइल भी सेंड कर सकते हैं यूनाइटेड स्टेट्स। अगर वो स्पेस में भेज सकते हैं सैटेलाइट, तो वो मिज़ाइल के थ्रू न्यूक्लियर वेपन भी भेज सकते हैं अमेरिका के ऊपर, ठीक है। तो इसका मतलब ये था कि अब दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन्स आ गए थे और दोनों बराबर हो गए थे न्यूक्लियर वेपन की। पहले यूनाइटेड स्टेट के पास जो थी मोनोपोली थी न्यूक्लियर वेपन की, और किसी के पास नहीं थे। लेकिन फिर रशिया ने बनाए और फिर डिलीवरी सिस्टम भी बना लिया ना, स्पटनिक क्योंकि सैटेलाइट था, उसने ये प्रूव किया कि यार डिलीवर भी कर सकता है रशिया, अगर उसने करना हो ना डिलीवर, ठीक है। तो अब डिलीवरी सिस्टम भी था उसके पास, तो फिर ये इक्वल हो गए दोनों, ठीक है। फिर इनकी ये थी कि फिर कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गई थी, कोल्ड वॉर थी ये सारी। और कोल्ड वॉर का फिर ये इन्होंने ना बिल्कुल ब्रिंकमैनशिप में आ गए थे। ब्रिंकमैनशिप की क्या होती है कि बिल्कुल आमने सामने डट जाना अपनी बात पे एक दूसरे को ना, कि हम तुमको फायर कर देंगे न्यूक्लियर वेपन्स, आप ठीक है, रशिया तुमको फायर कर देगा, यूएस उसको फायर कर देगा, एक दूसरे को थ्रेटन करना, ठीक है, एक दूसरे के खिलाफ हर चीज़ में खड़े होना, ठीक है। एंड इवेंचुअली फिर ना ये चीज़ें कर कर के क्राइसिस काफ़ी सारे आए। 1962 में सबसे बड़ा क्राइसिस आया, वो उसको कहते हैं क्यूबन मिसल क्राइसिस, ठीक है। क्यूबन मिसल क्राइसिस में ये दोनों जो कौमें थी आपस में आमने सामने खड़ी हुई थी और बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि इनमें अब जंग हो जाएगी, न्यूक्लियर वेपन्स वाली जंग होगी, ठीक है। लेकिन इवेंचुअली वो करम किया अल्लाह ने कि नहीं हुई, होती तो पता नहीं है अपोकलिप्स हो जाती तब, तो वो नहीं हुई। और उससे बेसिकली ये सामने आया कि भाई अगर आप के दोनों दो मुल्कों के पास अगर न्यूक्लियर वेपन्स हो ना, ठीक है, वो मतलब एक दूसरे के ख़िलाफ़ मुंह से बातचीत तो कर सकते हैं लेकिन वॉर की तरफ वो नहीं जाएंगे, क्योंकि म्यूचुअल अशोर्ड डिस्ट्रक्शन होती है, इसको कहते हैं कि दोनों ही डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, कि दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन है, एक मारेगा तो दूसरा भी मारेगा, फिर इस तरह से करते करते दोनों तबाह हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जो है ना, इसने हमें बताया कि यार दिस इज़ अ गुड स्ट्रेटजी डिटेरेंस की। ठीक है, फिर एक प्रीएम्पशन भी होती है। अच्छा, प्रीएम्पशन जो कॉन्सेप्ट है प्रीएम्पशन का, वो आया है 9/11 के बाद, और ये बुश ने जब अपना ये वॉर ऑन टेरर स्टार्ट किया ना, तो उसके पास कोई ऐसा प्रूफ नहीं था कि भाई ये जो है किया है तालिबान ने, अफगानिस्तान में तालिबान की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने करवाया है, तो ये प्रूफ नहीं था। उन्होंने बस किसी प्रूफ के बगैर जाके इन्वेट कर लिया था। उनकी ये थी कि हम प्रीएम्पशन कर रहे हैं। प्रीएम्पशन क्या है कि प्री स्ट्राइक कर रहे हैं, इससे पहले कि हमारा दुश्मन हम पे स्ट्राइक करें, हम उसको स्ट्राइक करके ख़त्म कर देंगे। ठीक है, इसको कहते हैं प्रीएम्पशन। ठीक है, तो ये तीन होते ही हैं IR में रिकॉग्नाइज चीज़ें, कंपेलेंस, डिटेरेंस, प्रीएम्पशन। और हम बात कर रहे हैं डिटेरेंस की। डिटेरेंस ये है कि दोनों के पास ऐसी कैपेबिलिटीज़ हैं कि ना एक मुल्क दूसरे पे हमला कर सकता है, ना दूसरा मुल्क पहले पे हमला कर सकता है। ठीक है, डिटर करना। सो मूविंग फॉरवर्ड, अब हम पाकिस्तान और इंडिया की केस स्टडी करते हैं कि इनके बीच में जो डिटेरेंस है वो किस तरह से होती है। ठीक है, रिफ़त हुसैन साहब एक स्कॉलर हैं, ठीक है, और काफ़ी मशहूर स्कॉलर हैं। तो उन्होंने जो पॉइंट्स बताए हैं इसके बारे में, जब न्यूक्लियर वेपन्स उन्होंने ले लिए, पाकिस्तान और इंडिया के पास न्यूक्लियर वेपन्स अब आ गए, तो इसका बेसिकली ये हुआ है कि गारंटी हो गई किस बात की, इंडिपेंडेंस की और फिज़िकल इंटेग्रिटी की गारंटीड है। किस तरह से भाई, कि भाई पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर वेपन है, इंडिया के पास भी न्यूक्लियर वेपन है। पाकिस्तान जो था को थ्रेट था, इंडिपेंडेंस का थ्रेट था, फिज़िकल इंटेग्रिटी का थ्रेट था। इंडिया आ जाएगा, इंडिया की फ़ौजें आ जाएंगी, अंदर घुस जाएंगी, इंडिपेंडेंस हमारी ले लेंगी, ठीक है, वगैरह वगैरह, इस तरह की जो टिपिकल बातें हैं वो सारी थ्रेट थी सारी। तो न्यूक्लियर वेपन जब हमने एक्वायर किए तो वो थ्रेट ख़त्म हो गया। सही है, म्यूचुअल डिटेरेंस है, ना हम बढ़ सकते हैं इंडिया में, ना इंडिया बढ़ सकता है हम में। ठीक है, ना इंडिया फुल वॉर कर सकता है हमारे साथ, ना हम कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन है। तो म्यूचुअल डिटेरेंस हो रही है। ठीक है, फिर थर्ड पार्ट ये है कि बैलेंस है इन फेवर ऑफ वीकर स्टेट। हम क्योंकि वीक इस तरह से थे कि भाई हमारी पॉपुलेशन कम है, हमारी आर्मी कम है, हमारे असले कम है, हमारा जो बजट कम है, तो भाई हम वीक तो हैं। ठीक है, उस लिहाज से क्योंकि वीक थे तो हमें बैलेंस किया है। फिर नहीं तो वो फिर आगे बढ़ता रहता, अगर न्यूक्लियर वेपन ना आते, आगे इंडिया और अपनी रिसोर्स बढ़ाता रहता और हमारे रिसोर्स हम फिर उनके पीछे चलते रहते। लेकिन न्यूक्लियर वेपन ने ये किया कि बैलेंस कर दिया और हमारे फेवर में बैलेंस किया। ठीक है, क्योंकि हालांकि हम वीक हैं, लेकिन इंडिया अब हमारे ऊपर उस तरह से नहीं आ सकता जैसे पहले आता था न्यूक्लियर वेपन के ऊपर। ऑलराइट, सो मूविंग फॉरवर्ड, सो पाकिस्तान और इंडिया की जो न्यूक्लियर डिटेरेंस है, वो जो डिटेरेंस की जो पूरी सोच है या पूरा जो थ्योरी है, वो काफ़ी हाईली डेवलप्ड है, कोल्ड वॉर से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुई हुई है। ठीक है, और इंडिया ने लेकिन ये किया कि कंपेलेंस को परस्यू किया। वो हमेशा ये चाहता है कि कंपेलेंस वाली स्ट्रेटजी वो रखें, और पाकिस्तान ने हमेशा से डिटेरेंस को परस्यू किया। ठीक है, कंपेलेंस को इंडिया ने इस तरह से परस्यू किया कि यार वो अपनी सुपीरियरिटी चाहता है, कंपेल करना चाहता है कि उसकी मानी जाए और बाकी लोग जो है ना उसकी माने, जो वो कह रहा है वो करें। ठीक है, और नीचे दबाना चाहता है। ठीक है, साउथ एशिया में जितने भी ममालिक हैं उनको नीचे दबाना चाहता है वो। बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, वो कहता है कि भाई मैं जो ना मैं सुपर पावर बन जाऊंगा और तुम सब जो है ना मेरी बात मानो, वो ये चाहता है। पाकिस्तान इस बात को कभी नहीं कबूल करने के लिए तैयार, ठीक है, और हमेशा से पाकिस्तान ने डिटेरेंस परस्यू की है कि भाई हम पैरिटी है, हम दोनों इक्वल हैं और हम दोनों जो है ना हम तुम्हारी सुपीरियरिटी को नहीं मानते, पाकिस्तान ने हमेशा ये कहा, ठीक है। और यही चीज़ हमें इनकी डिटेरेंस में नज़र आती है, न्यूक्लियर स्ट्रेटजी में नज़र आती है, ठीक है। सो अब जब न्यूक्लियर वेपन्स इन दोनों के पास आ गए, ठीक है, तो पॉजिटिव्स इसके क्या हैं, नेगेटिव्स क्या हैं। पॉजिटिव बेसिकली ये हैं कि फुल स्केल वॉर का जो ख़तरा है वो काफ़ी रिड्यूस हो गया, ठीक है। फुल स्केल वॉर जो होती रही है इन दोनों मुल्कों के दरमियान, 3 वॉर्स हुई हैं और बाकी स्क्रमिशेस हुई हैं, तो वो जो हुए हैं सारी चीज़ें वो अब काफ़ी लिमिटेड हो गई हैं, बहुत कम लिमिटेड हो गई हैं, ठीक है। और पहले ये था कि फुल स्केल्स वॉर होती थी और हो भी सकती थी अगर न्यूक्लियर वेपन्स ना होते, ठीक है। जब से न्यूक्लियर वेपन आए तो फुल स्केल वॉर का बहुत ज़्यादा ऐसे मौके हुए हैं जहाँ पे फुल स्केल वॉर हो सकती थी, लेकिन इसी बात पे नहीं हुई कि भाई म्यूचुअल एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन है, ठीक है, दोनों डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, तो इस वजह से नहीं हुई। नेगेटिव बात यह है न्यूक्लियर वेपन की कि ये प्रोलिफरेशन को प्रमोट करता है। प्रोलिफरेशन बेसिकली ये कि जब यूनाइटेड स्टेट के पास न्यूक्स आए, फिर रशिया के पास आए, फिर इसी तरह दूसरे यूरोपियन ममालिक के पास आए, चाइना के पास, तो फिर इन्होंने सोचा कि यार ये तो पूरे आने वाली दुनिया में न्यूक्लियर वेपन्स फैल जाएंगे और ये तो बहुत ख़तरनाक है। तो उन्होंने फिर जो है ना रेजोल्यूशन पास की यूनाइटेड नेशंस में कि यार ये रोकें प्रोलिफरेशन, ये फैलना न्यूक्लियर वेपन्स का, और उन्होंने काफ़ी स्ट्रिक्ट बैन्स लगाए जो मुल्क न्यूक्लियर वेपन्स को प्रोसीव कर रहे थे, एम्बार्गोज वगैरह। और फिर प्रोलिफरेशन ये है कि जो आपके जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो जब नए ममालिक के पास आते हैं तो ख़तरा होता है कि यार कोई इंसिडेंट हो सकता है, कोई गलती से कोई न्यूक्लियर फैसिलिटी डिस्ट्रॉय हो सकती है, फिर उसके पूरे जो इफ़ेक्ट्स होते हैं पूरी दुनिया में आते हैं, ठीक है, रेडिएशन के जो इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो इसी तरह से फिर कोई एक्सीडेंट हो सकता है कि वॉर स्टार्ट हो गई तो न्यूक्लियर वेपन भी फिर जो है ना वो फिर फायर हो सकते हैं, ठीक है। तो ये इन चीज़ों के ख़तरों की वजह से जब भी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ बनती हैं और ये सारी चीज़ें होती हैं तो ये ख़तरे होते हैं। तो नेगेटिव बात इसकी यही है कि कैन लीड टू प्रोलिफरेशन। फिर ब्लैक मार्केट से कोई और ममालिक भी इस टेक्नोलॉजी को ले सकते हैं, ठीक है, वगैरह वगैरह, इस तरह की बातें आती हैं नेगेटिव्स के अंदर। सो मूविंग फॉरवर्ड, पाकिस्तान इंडिया का जो न्यूक्लियर पोस्चर है वो क्या है। न्यूक्लियर पोस्चर इसको कहते हैं कि यार इनकी जो पॉलिसीज़ हैं जो ये प्रेजेंट करते हैं वर्ल्ड को, जो बोलते हैं बातें, वो क्या हैं। सो फर्स्टली बहुत दोनों कंट्रीज़ हैं वो रिजेक्ट करती हैं यूनाइटेड नेशन की रेजोल्यूशन को 1172 को, और वो ये कहती हैं कि भाई ये जो रेजोल्यूशन थी ना ये न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है, ठीक है, और कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी है कि आपने न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करने, आपने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को फैलाना नहीं है, बनाना नहीं है। ये जो रेजोल्यूशन थी ये पास हुई थी यूनाइटेड नेशन की, ये ना पाकिस्तान ने साइन की है ना इंडिया ने साइन की है, ठीक है, ठीक है। फिर दोनों जो है ना क्लेम करते हैं कि इनका एम डिटेरेंस है, दोनों क्लेम करते हैं कि भाई हमने अपने बस सेल्फ डिफेंस के लिए न्यूक्लियर वेपन्स रखे हैं, हम कंपेल नहीं कर रहे किसी को, हमने अपना डिफेंस करना है और हमने डिटर करना है कि हमारे एनिमी डिटर हो जाए, हम पे अटैक नहीं करें, उनका मकसद ये है, दोनों कहते हैं, ठीक है। लेकिन जो पॉइंट टू बी नोटेड इसमें यह है कि भाई अगर आप डिटेरेंस कर रहे हैं तो आप फिर मिनिमम लेवल पर रखें ना न्यूक्लियर वेपन्स, आप फिर ज़्यादा से ज़्यादा कैपेबिलिटीज़ ना करें, अपनी टेक्नोलॉजी बढ़ाएं नहीं, ठीक है। तो इस्लामाबाद ने फिर यही, जब न्यूक्लियर वेपन्स आ गए थे दोनों के पास, इस्लामाबाद ने प्रपोज़ किया दिल्ली को कि भाई जो आप न्यूक्लियर वेपन्स हैं ना वो मिनिमम लेवल पर रखें, ठीक है, मिनिमम लेवल पर रखें, अपनी टेक्नोलॉजी एडवांस ना करें, जदीद और बड़ा ना करें, न्यूक्लियर आर्सनल बड़ा नहीं करें, मिज़ाइल क्रूज़ मिज़ाइल ना ख़रीदें, क्रूज़ मिज़ाइल टेक्नोलॉजी ना बनाएं, ठीक है, और सबमरीन टेक्नोलॉजी ना बनाएं जिससे और ख़तरा हो न्यूक्लियर का, ठीक है, क्योंकि हमारा तो मकसद डिटेरेंस है, हमारा मकसद कंपेलेंस तो नहीं है, अपनी पावर बढ़ाना तो नहीं है, हमारा मकसद तो ये है कि भाई हम अपने आप को प्रोटेक्ट करें, ठीक है, हमारा मकसद ये है कि अगला मुल्क हम पे अटैक ना करे, हमारे न्यूक्लियर वेपन देखे और बोले अच्छा नहीं इसके पास न्यूक्लियर वेपन है, हमें अटैक नहीं करना चाहिए, ठीक है, बस ये देखें, हमारा मकसद ये है। हमारा मकसद ये नहीं कि हमारे पास लाइन लगी हो न्यूक्लियर वेपन्स की कि भाई लाइन लगा दो, ठीक है, जंग मकसद नहीं है हमारा, हमारा मकसद है जंग से बचना, ठीक है। तो इस्लामाबाद ने यह प्रपोज़ल दिया कि भाई अगर आपका मकसद वाकई डिटेरेंस है जैसे कि आप कहते हैं दुनिया को, तो फिर आप फिर अपना जो लेवल है न्यूक्लियर वेपन्स का वो नीचे रखें। तो कहते हैं नहीं, दिल्ली ने कहा नहीं, वो उनकी वजह ये थी कि भाई हमारा आप थ्रेट नहीं हो हमारे लिए चाइना थ्रेट है, ठीक है, उन्होंने ये कहा, और चाइना के जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं और टेक्नोलॉजी है वो हमसे बहुत एडवांस है, तो हम उनके परस्यू करेंगे, उनके लेवल पे जाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, आपका लेवल तो हमने रीच कर लिया लेकिन हम चाइना के लेवल पे जाने की रीच करेंगे। लेकिन अब इस बात का जो है बहुत वो है फ्लॉ है, इस बात का भी बहुत बड़ा फ्लॉ है। वो क्या है जनाब के भाई 1964 में जो चाइना ने अपना न्यूक्लियर वेपन्स एक्वायर हो गए थे, चाइना के पास आ गए थे, और उसके बाद से सॉरी 1964 में जब चाइना के पास पहला टेस्ट किया था चाइना ने, उसके बाद से अभी तक इंडिया के पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं आई जो डिलीवर कर सके अब उसके न्यूक्लियर वेपन्स चाइना की सिटीज़ में। चाइना की जो सिटीज़ हैं वो काफ़ी फॉर ऑफ हैं जहाँ पे इंडिया की न्यूक्लियर वेपन्स हैं, ठीक है, चाइना की काफ़ी जो मेन सिटीज़ हैं वो उसकी जो ईस्ट की जो वो समंदर है ना वहाँ पे, ठीक है, ईस्ट चाइना सी की इर्द गिर्द जो है ना मेन सिटीज़ हैं चाइना की, ठीक है, जिनको जो बड़ी सिटीज़ हैं जो, लेकिन जो इंडिया की कैपेबिलिटी है और जो रेंज है मिसाइल्स की वो लो रेंज है, और वो उनकी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो चाइना की मेन सिटीज़ को हिट करें। तो फिर तो ये जो मकसद है दिल्ली का जो स्टैंड है कि हम चाइना को वो करना बैलेंस करना चाह रहे हैं, ये तो फिर गलत हुआ उनका, फिर मकसद तो ये लो रेंज उनके मिसाइल्स हैं जो पाकिस्तान को ही कवर करते हैं, और क्योंकि वो पाकिस्तान को ही कवर करते हैं तो फिर क्या ये जो दिल्ली का जो मकसद था जो ये चाइना को वो करना चाह रहे हैं, तो ये तो फिर गलत है इसका मतलब। तो फिर ये हिपोक्रेसी जो है ये जब इनको इंडिया को बताई जाती है तो फिर इंडिया रिफ्यूज़ करता है, कहता नहीं ऐसा नहीं है। तो एनीवेज इस्लामाबाद का जो ऑफिशियल स्टैंस ये है कि जो भी डॉक्यूमेंट जो भी इंटरनेशनल ट्रीटी है अगर इंडिया उसको पहले साइन करता है तभी पाकिस्तान साइन करेगा। कोई भी यूनाइटेड नेशन की रेजोल्यूशन है न्यूक्लियर आर्सनल से रिलेटेड न्यूक्लियर वेपन से रिलेटेड, अगर इंडिया उसको पहले अप्रूव कर ले और साइन कर ले उसके बाद पाकिस्तान करेगा, ठीक है। तो पूरा वर्ल्ड पाकिस्तान को कहता है कि आप ये साइन करें रेजोल्यूशन वगैरह, तो पाकिस्तान यही कहता है कि अगर पहले इंडिया से कराएं बाद में हम करेंगे, ठीक है। सो दिस इज़ आवर ऑफिशियल स्टैंड फॉर नाउ। सो मूविंग फॉरवर्ड, अच्छा हिपोक्रेसी इंटरनेशनल कम्युनिटी की हम ये देखते हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी की हिपोक्रेसी क्यों है, ठीक है। 1950 से इंडिया का जो न्यूक्लियर एम्बिशन है वो इग्नोर करती है इंटरनेशनल कम्युनिटी। उसकी बहुत बड़ी वजह है इंडिया का जो स्ट्रेटजिक लोकेशन है ना वो ऐसी है कि चाइना को वो पोटेंशल रखता है कि चाइना को ना वो होल्ड करे, और चाइना को एज अ एडवर्सिटी देखता है वेस्ट, और फिर इसी वजह से वो सपोर्ट करता है इंडिया को कि यार ये चाइना को जो है ना काउंटर करेगा इंडिया, ठीक है। तो उस सेंस में वो इंडिया को एज अ एलाय देखता है। तो इस वजह से इंडिया के 1950 से जो न्यूक्लियर एम्बिशंस थे, न्यूक्लियर में वो रिसर्च कर रहा था, न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा था 1950 से, तब से ये इग्नोर कर रहे हैं इसको, ठीक है। फर्स्ट टेस्ट इंडिया ने किया 1974 में, स्माइलिंग बुद्धा के नाम से ये टेस्ट था, और ये अंडरग्राउंड टेस्ट इन्होंने किया था, ये पिक्चर नज़र आ रही है आपको, और इन्होंने ये कहा कि भाई ये हमारा फ्रेंडली टेस्ट है, ये तो हम वैसे ही न्यूक्लियर एनर्जी के हम वो बनाएंगे तो उसकी वजह से हम टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन इनका वेपन्स का ये टेस्ट था असल में। फिर इनका सेकंड टेस्ट जब हुआ 1998 में, तो अगेन दो ये मई 1998 में हुआ था, और उसके फर्स्ट सेकंड वीक में हुआ था। उसके बाद जो है ना, जब इन्होंने टेस्ट कर लिए, 5 टेस्ट किए इन्होंने, जब 5 टेस्ट कर लिए इन्होंने, तो पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशन को अप्रोच किया, यूनाइटेड स्टेट्स को अप्रोच किया कि भाई ये आप ये न्यूक्लियर टेस्ट कर रहे हैं, आप इनको कुछ कहते नहीं हैं, इन पर एम्बार्गो नहीं लगाते, बैन नहीं लगाते, वैसे तो आप बड़ी बातें करते हैं ट्रीटीज़ वगैरह। तो किसी ने कुछ नहीं कहा उस टाइम तक। 2 हफ्ते बाद अब पाकिस्तान के पास कोई चॉइस नहीं थी। फिर पाकिस्तान ने ना खुद न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप कर चुका था पाकिस्तान उस टाइम। फिर पाकिस्तान ने भी टेस्ट एज अ रिस्पांस टू इंडिया अपने 6 टेस्ट किए, ठीक है, चागई में। ये पिक्चर बड़ी मशहूर है 1998 की, जो पाकिस्तान के टेस्ट है। तो चागई में पाकिस्तान ने टेस्ट किए और ये प्रूव कर दिए कि भाई पाकिस्तान भी कैपेबल है इंडिया को डिस्ट्रॉय करने के, ठीक है। और तब से डिटेरेंस, दोनों में डिटेरेंस इस्टेब्लिश हो गई कि आप ना हमें डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ना हम आपको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, तो डोंट इवन ट्राई टू इंगेज विद अस, सही है। 2008 में फिर इंडिया और यूएस की डील साइन होती है, न्यूक्लियर डील। और न्यूक्लियर डील एक तरह की ऐसी थी 2008 की कि उसने ना इंडिया को डिजोर न्यूक्लियर स्टेट बना दी। डिजोर न्यूक्लियर स्टेट बेसिकली ये होता है, न्यूक्लियर स्टेट्स वो हैं जो ऑफिशियली जिन्होंने जो जिनको न्यूक्लियर स्टेट्स माना जाता है, ठीक है, और जिन्होंने वो रेजोल्यूशन साइन की हुई प्रोलिफरेशन की सारी। और पाकिस्तान और इंडिया को न्यूक्लियर स्टेट्स नहीं माना जाता, ठीक है। और न्यूक्लियर स्टेट्स जो जिनको न्यूक्लियर स्टेट्स माना जाता है ना, वही डील कर सकती हैं न्यूक्लियर वेपन की एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स, ठीक है, न्यूक्लियर जो फ्यूल होता है, न्यूक्लियर फ्यूल का इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स। तो लेकिन क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया को नहीं माना जाता, तो इनके ऊपर सख्त वो है बैन है एक तरह का ना, कि ये इम्पोर्ट एक्सपोर्ट इस तरह की न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के ऊपर कुछ भी नहीं कर सकते ये। लेकिन 2008 की जो इंडिया यूएस डील थी ना, उसने ना एक तरह का उसको न्यूक्लियर स्टेट बना दिया, ठीक है। हालांकि माना नहीं जाता, लेकिन उस डील से ना वो बाईपास करके ना उसने उनको न्यूक्लियर स्टेट बना दिया। उससे ये होता है कि अब जो है ना वो न्यूक्लियर इंपोर्ट्स कर सकता है इंडिया, पूरे पूरे रिएक्टर ख़रीद सकता है यूरोपियन स्टेट से, और पूरे पूरे फ्यूल ख़रीदता है। 2009 में उसने हालांकि काफ़ी जो है ना फ्यूल ख़रीदा था, न्यूक्लियर फ्यूल ख़रीदा था फ्रांस से, ठीक है। और बात यह कि असल में ये हिपोक्रेसी है इंटरनेशनल कम्युनिटी की कि भाई आप उसको पूरा सपोर्ट करते हैं और हमें कुछ नहीं, हमें जो बिल्कुल अपने साइड पे लगाया हुआ है। तो पाकिस्तान को एज अ न्यूक्लियर मैवरिक देखा जाता है। न्यूक्लियर मैवरिक ये कि एक बिगड़ा हुआ बच्चा, ठीक है, जो रूल्स का नहीं मानता, कहना नहीं मानता, सॉरी, सो बिगड़ा हुआ बच्चा जो रूल्स नहीं मानता, कहना नहीं मानता। और उनको कहा जाता है कि भाई अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ आप बंद कर लें और प्रोलिफरेशन ट्रीटी को साइन कर दें, इस तरह की बातें बोली जाती हैं। So, moving forward, नॉन स्टेट एक्टर ब्रेकमैनशिप और यूएस का जो रोल रहा है, इसको हम थोड़ा सा ओवरव्यू करते हैं। पाकिस्तान का हमेशा से ना अपोलोजेटिक और अकोमोडेटिंग एटीट्यूड रहा है, ठीक है, और मतलब अपोलोजाइज करता रहता है पाकिस्तान, कोई भी क्राइसिस होता है, कोई इवेंट होता है बड़ा सा, और अकोमोडेट करता रहता है, ठीक है, लेकिन बदले में कुछ नहीं मिलता पाकिस्तान को। 1999 में जो कारगिल क्राइसिस हुई थी, ठीक है, और बड़ा शोर मचा था पूरे इंटरनेशनल कम्युनिटी में, यूनाइटेड स्टेट्स में, फिर क्या उसमें ये हुआ था कि हमने खुद जो है ना फिर वहाँ से हम पीछे हट गए थे कारगिल से, और ये हमारा प्रेस्टीज के काफ़ी खिलाफ था, प्रेस्टीज गिर गई थी हमारी। और फिर इसी तरह से यूनाइटेड स्टेट्स का बहुत बड़ा रोल था कि भाई इंटरमीडिएट करे, बहुत वॉर के करीब करीब पहुंच गए थे तब भी हम, और इंटरमीडिएट करके उसने ना दोनों को, इंडिया और पाकिस्तान दोनों को जो है ना रोका कि भाई आप फर्दर कुछ ना करें, पीछे हट जाएं, ठीक है। लेकिन हमें तो वो उसने बोल दिया पीछे हट जाएं। सियाचन में भी ये किया, वो ये यही काम किया था इंडिया ने, लेकिन इंडिया तो नहीं हटा सियाचन से पीछे, हम हट गए, सही है। 2001 में न्यू दिल्ली के जो पार्लियामेंट अटैक हुए थे, अगेन इंडिया ने फिर क्लेम किया कि पाकिस्तान ने करवाए हैं वगैरह वगैरह वगैरह, और फौज जो थी डिप्लॉय हो गई थी बॉर्डर के ऊपर, ठीक है, जंग होने को थी। लेकिन अगेन फिर यूनाइटेड स्टेट्स की मुदाखलत के ऊपर इंटरनेशनल कम्युनिटी ने बातचीत की, और इस सारा जो फिर ना इवेंचुअली फिर वो भी जो है ना अपोलोजेटिक बिहेवियर हमारा पाकिस्तान का रहा उसमें भी। और उसके बाद जो था जो उस टाइम मुशर्रफ जो था पावर में था, जनरल मुशर्रफ, ठीक है, और उसने भी ये उन्होंने भी ये यही किया कि भाई अकोमोडेट किया इंडिया को, अकोमोडेटिंग एटीट्यूड शो किया, ठीक है, और यह शोर कराया कि पाकिस्तान की जो टेरिटरी है नहीं यूज़ होगी, टेररिस्ट नहीं यूज़ कर सकेंगे पाकिस्तान की टेरिटरी, ठीक है, और फिर मामला ख़त्म हो गया वहाँ पे। फिर अगेन फिर 2008 के मुंबई अटैक्स हुए, और उसमें भी फिर यही हुआ कि इंडिया ने कहा कि भाई ये जमातुद्दावा के जो लोग हैं उन्होंने करवाया है, पाकिस्तान में से आए हैं ये, और वगैरह वगैरह वगैरह। फिर उसके बाद फिर अगेन फिर यही हुआ कि पाकिस्तान में अपोलोजेटिक और अकोमोडेटिंग एटीट्यूड शो करके हमने ये कहा कि अच्छा जमातुद्दावा को हम बैंड मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर रहे हैं, और फिर हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे और इस तरह की चीज़ें। तो एनीवेज़ ये हमारा फिर सारा जो था एटीट्यूड देख के इन्होंने काफ़ी ये इंडिया ने देखा कि अच्छा ये जो है ना बड़े डर रहे हैं और अपोलोजेटिक एटीट्यूड है इनका। उन्होंने ये देख के फिर बोला चले यहाँ पे स्पेस है कि हम ना थोड़ी सी छोटी छोटी वॉर्स कर सकते हैं, इनको अटैक कर सकते हैं, ठीक है, और जिनको वो कहते हैं सर्जिकल स्ट्राइक्स, ठीक है। तो ये यहाँ से इन्होंने ना सीख लिया कि यार ये तो बड़ा दब के रहते हैं, तो इनको और दबाओ। सो पॉसिबिलिटी ऑफ क्राइसिस नंबर वन, इंडियन लीडर जो हैं उनके दिमाग में ये परसेप्शन आ गया कि यार ये जो है ना थोड़ा सा स्पेस है कि यहाँ पे ना इनको हम थोड़ा सा अटैक करके ना सर्जिकल स्ट्राइक्स कर सकते हैं, थोड़ी सी अनकन्वेंशनल वॉर कर सकते हैं, प्रॉक्सी वॉर्स कर सकते हैं, ठीक है, इनको काउंटर करने के लिए इनको थोड़ा सा ना काउंटर कर सकते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद ये था कि इन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक से क्लेम करना स्टार्ट कर दिया कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक की है, इस जगह पे सर्जिकल स्ट्राइक की है वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन उसके बाद ये हुआ कि इवेंचुअली सर्जिकल स्ट्राइक 2-3 इन्होंने क्लेम किए, लेकिन फिर ये हुआ कि जब 2019 में आप सबको पता है कि जब हमने प्लेन्स गिरा दिए हैं, उसके बाद ये जो परसेप्शन है ये थोड़ा चेंज हुआ है, काफ़ी चेंज हुआ है ये परसेप्शन। पहले ये परसेप्शन था कि ये आएंगे, बम गिराएंगे, कुछ भी करेंगे पाकिस्तान में और हम तो कुछ नहीं करेंगे, लेकिन ये अब काफ़ी परसेप्शन ये चेंज हुआ है। लेकिन अभी भी एक्सट्रीमिस्ट जो इनके लीडर्स हैं इंडिया के, वो अभी भी ये इस तरह की बातें करते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक्स और ये तबाह कर देंगे और फलाना कर देंगे, ये कर देंगे। तो एनीवेज़ ये परसेप्शन चेंज हुआ है क्योंकि पाकिस्तान की अब जो लीडरशिप है वो थोड़ी अच्छी आई है और जवाब दे सकती है, अपोलोजेटिक एटीट्यूड नहीं है, अकोमोडेटिंग एटीट्यूड भी नहीं है, उसका इक्वल फुटिंग पे जवाब देती है वो। सो ये परसेप्शन तो कम से कम चेंज हुआ है। नेक्स्ट ये है कि इंडिया अभी प्रायोरिटाइज़ कर रहा है मिसाइल डिफेंस सिस्टम को, और उसका मकसद यही है कि भाई वो कंपेलेंस को वो करना चाहता है, डिटेरेंस पे वो नहीं करना चाहता। वो पाकिस्तान के ऊपर वो मतलब अगर ये उसके पास मिसाइल डिफेंस सिस्टम आ गया तो हमारे न्यूक्लियर वेपन्स किसी काम के नहीं रहेंगे, क्योंकि मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो है वो प्रिवेंट करता है कि आपके मिसाइल अगर आ रहे हों तो वो उनको हवा में डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है। तो इंडिया ने रिसेंटली जो है रशिया से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम बाय किया है। इसी तरह से वो और भी सिस्टम जो है ख़ुद भी बना रहा है और ख़रीद भी रहा है। S-400 रशिया उसको 2021 में उसको डिलीवर करेगा। $5 बिलियन का ये मेरे ख्याल से डील हुई थी। और तो बस उसका मकसद यही है इंडिया का कि ये जो डिटेरेंस है ये ख़त्म करें और कंपेलेंस के ऊपर आए, ठीक है। और हमारा मकसद ये कि हम डिटेरेंस पे रहें और इंडिया को डिटर करें, ठीक है। तो फ्यूचर बहुत अनसर्टन है, पता नहीं क्या होगा फ्यूचर में अगर एयर डिफेंस सिस्टम आ गया, मिसाइल डिफेंस सिस्टम आ गया, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास ऑप्शंस ये हैं कि हम सेकंड स्ट्राइक की तरफ जा सकते हैं। सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटीज़ ये है कि जो हमारा जिस तरह सबमरीन होती है ना, सबमरीन में न्यूक्लियर वेपन्स लगे होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी ये है कि हमारा अगर कोई आके न्यूक्लियर वेपन अगर इंडिया ने फेंका है ना पाकिस्तान में किसी जगह पे मार दिए, ठीक है, तो हमारे न्यूक्लियर वेपन भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, ठीक है। तो हम वापस स्ट्राइक नहीं कर सकते उनको, ठीक है। सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी होती है कि आपने अपना न्यूक्लियर वेपन ऐसी जगह रखा हो कि आप दोबारा से स्ट्राइक कर सकें उनको, ठीक है। तो न्यूक्लियर सबमरीन ये होती है कि अब वो क्योंकि रिमोट होती है, सी के अंदर होती है, तो वो कहीं से भी स्ट्राइक कर सकती है। अगर वो न्यूक्लियर सबमरीन अगर हमारे पास आ गई तो हम फिर उनको कहीं से भी स्ट्राइक कर सकते हैं, ठीक है। और खुशी की बात यह है कि चाइना हमें न्यूक्लियर सबमरीन डेवलप कर रहा है हमारे लिए, और हम उससे ख़रीदेंगे न्यूक्लियर सबमरीन, और इवेंचुअली एज ए पार्ट ऑफ सी पैक तो वो फिर हमारे पास आ जाएगी सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी, ठीक है। अभी कंफर्म नहीं है कब, लेकिन आ जाएगी फ्यूचर में। तो हमारा फिर यही है कि डिटर करें, ये सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी डिटर करती है इसको मिसाइल डिफेंस सिस्टम को, ठीक है, क्योंकि फिर ना आप मल्टीपल जगहों से न्यूक्लियर वेपन मार सकते हो, तो वो फिर डिफ़िकल्ट होता है मिसाइल डिफेंस सिस्टम के लिए कि वो सारे न्यूक्लियर वेपन्स को रोक सके, ठीक है। तो ये थी आज की डिटेरेंस की थ्योरी, डिटेरेंस का जो कॉन्सेप्ट है इंटरनेशनल पाकिस्तान और इंडिया का और इंटरनेशनली भी। तो थैंक यू वेरी मच, और सब्सक्राइब करें अगर नहीं किया हुआ, ऑलरेडी वीडियोस मौजूद हैं पिछली अगर आपने नहीं देखी, और थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।